आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हेयर स्प्रेस के बारे में, और जो इम्पॉर्टेंट हम लोग हेयर की प्रिपरेशन करते हैं स्टाइलिंग से पहले जो भी सैलून्स में की जाती है उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगी कि आप लोग प्रोफेशनल तरीके से हेयर स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। और आप लोगों के हेयर्स को पहले प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर अच्छी हेयर स्टाइलिंग आप लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो सबसे पहले जिस उसकी बात करेंगे वो है हमारे पास क्यूने। क्यूने की जो मूज वाली होती है ये स्प्रे है, बेसिकली ये मूज है, ये स्प्रे नहीं है। ये इसका बॉटल आप लोगों को ऐसे लग रही है कि स्प्रे है लेकिन ये मूज है, ये इस तरह। तो ये जो हेयर स्टाइलिंग मूज है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये फिर थोड़ा सा आप लोगों के हेयर को वो टेक्सचर इस तरह का देती है कि फिर आप जिस तरह की भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं और जिस तरह हेयर्स को ठहराना चाहते हैं उसी तरह हेयर्स ठहर जाते हैं। और अगर आप ये पहले नहीं अप्लाई करते तो फिर हेयर्स के अंदर जिस टाइम आप लोग हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो फिर हेयर इधर उधर हो जाते हैं और वो सही से हेयर स्टाइल नहीं आ पाता। तो इसकी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि कंसिस्टेंसी किस तरह होती है। ये पहले इसको शेक करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ये इस तरह से इसको प्रेस करें तो ऐसे फोम की तरह बाहर निकलता है, ये इस तरह का। ये फोम जो निकलती है ये फोम हम लोगों ने लेकर और हेयर्स पे लगानी होती है। ये इस तरह का इसका टेक्सचर होता है। ये फोम जो होती है हम लोगों ने फ्रंट के हेयर्स पे, ज़्यादातर हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो ये जैसे ही बाल आप लोग स्ट्रेट करते हैं या आप लोगों ने क्रिम्पिंग करनी होती है उससे पहले आप लोग पहले ये लगाकर और ऐसे उंगलियों में हेयर्स के अंदर वो उंगलियों से की मदद से आप लोगों ने इसको इसकी जो फोम होती है ये आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने फिर उसके बाद हेयर स्टाइलिंग करनी है। हेयर स्टाइलिंग करने के बाद फिर आप लोगों ने एंड पे अगर काशिस का आप लोग ग्लास ट्रीटमेंट हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं तो आप लोग वो फायरे कर लें, और अगर आप ये ज़्यादा आप लोगों को महंगा लगता है और ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों ने इसकी जगह पे आप लोगों ने शाइनी बूस्टर इसको हल्का सा अप्लाई करना, बहुत हल्का सा, ज़्यादा आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना क्योंकि ज़्यादा अप्लाई करने से फिर वो आयली आयली इफेक्ट आ जाएगा। और ये जो काशिस का स्प्रे है इसमें आयल थोड़ा कम है, ये ज़्यादा अच्छा वो हेयर को वो करता है, शाइन देता है। तो पैसों की भी बात होती है कि जाहिर है जो जिस चीज़ पे थोड़े पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसकी वो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और इसकी इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इसकी निस्बत इसकी, क्योंकि प्राइस भी कम थी और ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और हेयर्स में शाइन आप लोग चाहते हैं कि भाई हेयर में शाइन आए तो फिर आप लोग इसकी जगह पे फिर आप लोग ये शाइनी बूस्टर ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और ये आप लोगों ने प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग में ज़रूर यूज़ करना है, ये बहुत अच्छा इसे हेयर्स का टेक्स्चर आ जाता है। तो लेकिन ये थोड़ा है एक्सपेंसिव, यानी आप लोग इसको ब्राइडल मेकअप में या ब्राइडल हेयर स्टाइल में ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग पार्टी मेकअप के ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो तब आप इसको यूज़ करें, अगर आप लोग पार्टी मेकअप के कम चार्ज कर रहे हैं तो फिर आप लोग इसको यूज़ ना करें क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो जाता है और ये इतना ज़्यादा फिर चलता भी नहीं है क्योंकि जितने हेयर्स के लेंथ होती है तो फिर उतना ज़्यादा हमें अप्लाई करना पड़ता है और ये फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये तकरीबन 4 से 5 क्लाइंट पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसकी तकरीबन कीमत पिछले साल तक तो 1500 थी, फिर अब पता नहीं, अब तो हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है कॉस्मेटिक्स की भी। और ये वाला जो था ये तकरीबन 800 तक आया था ये, और ये काशिस का आप लोगों को उनकी वेबसाइट पे रेट्स मिल जाएंगे कि ग्लास ट्रीटमेंट स्प्रे का कितना है रेट, और मैंने तो सारी चीज़ें इकट्ठी ली थी तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट इसकी याद नहीं है। इसी के साथ ही हम वीडियो की एंड करते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग इनके बारे में मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से आप लोगों को मिलेंगे, ये भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप किस सिटी से हैं और कहाँ से आप लोग लेना चाहते हैं जो ओरिजिनल चीज़ें मिलें। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।